उसमें वॉइस दी है और बहुत ही फील के साथ गाया है. और ये जो सॉन्ग है ये स्टोरी बेस्ड है. आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट मेरी मॉम का है जिनका नाम रीता राय है और उनके लिरिक्स ही हैं. और जो ये कॉन्सेप्ट है ये एक रिलीजन का है जिसमें मुस्लिम एक गर्ल है जिसे एक हिंदू से एक नज़र में पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है. और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है. आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा. ये एंजल कुछ बताना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा है गाने को शूट करने के दौरान और आपको कितना पसंद आएगा? मुझे ये गाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और इसमें मेरे फेवरेट सिंगर हैं ज़बीन दा. उन्होंने मेरे साथ गाया है ये. उन्होंने अपनी आवाज़ दी है और गाना तो मुझे पसंद ही है. और इसमें एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल बहुत अच्छा रहा है. एक्टिंग मैंने कभी कोई कोर्स नहीं लिया. मैंने कभी कोई प्रोफेशनली काम नहीं किया एक्टिंग में. बट अब मुझे बहुत एक्टिंग को लेके बहुत इतना कुछ खास नहीं रहा बट फिलहाल हो गया. इससे पहले भी एंजल आपने कुछ किया या पहला ये एक्सपीरियंस रहा है आपका? इससे पहले मैंने कवर सॉन्ग किया था जब छाए मेरा जादू. बट इसके बाद मेरा ये फर्स्ट ओरिजिनल ड्यूट सॉन्ग है. एंजल गाने के जो सिंगर है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गाने के सिंगर ज़ुबीन दा है जो मेरे फेवरेट सिंगर हैं और उन्होंने बहुत प्यार से सॉन्ग को गाया है. उनका फील और मैंने भी उनको साथ देने की पूरी अपना 100% देने की कोशिश करी है इस सॉन्ग में. और ये कंपोज सॉन्ग अभिनव दा ने किया है और इस सॉन्ग का म्यूज़िक भी अभिनव दा ने ही दिया है. बहुत ही प्यारा सॉन्ग है. आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. जैसे आपने कहा कि आपकी मम्मी की कॉन्सेप्ट है, उन्होंने जब आपसे कहा था कि ये गाना करना है तो कैसा लग रहा था तब आपको जब ये गाने करने का आपको मौका दिया था? मैं बहुत एक्साइटेड थी और इस गाने को लेके और बस एक्टिंग का थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे. बट हो गया वो भी. इससे पहले जैसे आपने कहा कि आपने एक कवर सॉन्ग किया था वो काफ़ी अलग था, ये काफ़ी कॉन्सेप्ट अलग है. दोनों में अपने आप को ढालना एंजल कैसे किया आपने? जो इससे पहले मैंने करा था वो कवर सॉन्ग था और उसमें कुछ एक्टिंग का कुछ ज़्यादा था नहीं. बट ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें पूरा स्टोरी बेस्ड है तो इसमें इमोशनल पार्ट जो है तो वो बहुत चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए और बहुत मज़ा आया इस सॉन्ग को करके. एंजल आगे क्या प्रोजेक्ट्स की तैयारी है, आगे क्या करने वाली है? अभी मेरे प्रोजेक्ट्स अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. 5-6 सॉन्ग्स अभी बैक टू बैक आने वाले हैं और आई होप आप सब उसी तरह इस सॉन्ग को जैसे आप प्यार दे रहे हैं उससे ज़्यादा आप उसे प्यार देंगे आने वाले जो सॉन्ग्स हैं. फर्स्ट एल्बम आपने किया होगा, आपने खुद देखा होगा उस एल्बम को, कुछ ना कुछ कमी आपको नजर आई होगी, कुछ सुधारने की कोशिश आपने इस एल्बम में की है उन बातों को? हाँ, सिंगिंग को लेके मैंने इम्प्रूव किया है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ. और बहुत चीज़ें इम्प्रूव करी है मैंने और आप लोगों को ये ज़रूर नज़र आएगा इस चीज़ में. शूट के दौरान नर्वस होती है एंजल? शूट के दौरान ऑब्वियसली मैं कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं हूँ बट थोड़ी बहुत नर्वस मैं होती हूँ. वगैरह का ये सब करना नहीं पड़ा बट जो एक्सपीरियंस रहा मेरा विवेक बोरा के
के साथ बहुत ही मज़ा आया उनके साथ काम करके. बहुत उन्होंने मुझे एक्टिंग में भी हेल्प करी, और जहाँ जहाँ मैं अपना कॉन्फिडेंस कम हो रहा था मेरा, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया. तो बहुत मज़ा आया. ये हमने शूट पूरा नॉर्थ ईस्ट की लोकेशंस पर करी है. बहुत ही प्यारी लोकेशन है. आप सॉन्ग आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलेगा. स्पेशल इंसान आता है जो पहली नज़र में, पहली मुलाकात में उसे अट्रैक्शन होने लगता है, वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है. तो हमने इस सॉन्ग को इसमें यही दिखाने की कोशिश करी है कि वो कैसे कैसे हम पहली मुलाकात में, पहली नज़र में हम एक उस इंसान से कैसे हम अटैच होने लगते हैं. ये लैला मजनू कह सकते हैं, ये बिल्कुल हमने इस कॉन्सेप्ट में दिखाया है. ये जो स्टोरी है बिल्कुल प्यार जो है पागलपन वाला प्यार दिखाया है इसमें, तो कह सकते हो. एंजल फ्यूचर में अपने आप को कैसे किस मुकाम में देखना चाहती है, आगे क्या करना चाहती है? आगे मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे एक अच्छे सिंगर के तौर पर मुझे माने और मुझे एक अच्छा सिंगर माने. जर्नी कैसी रही है एंजल, जर्नी के बारे में कैसे शुरुआत हुई, कैसे यहाँ तक पहुँचे, सपोर्ट कितना रहा फैमिली का? फैमिली का मेरा सपोर्ट बहुत ज़्यादा है. मुझे मेरी फैमिली आज भी, अभी भी, पहले भी करती आई है सपोर्ट. और हम दिल्ली से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं मुंबई में 2 साल पहले, और एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है. और मेरी फैमिली, मेरी मॉम मुझे बहुत सपोर्ट कर रही हैं. किसी घराने से आपने शिक्षा दीक्षा ली है और सिंगिंग की अगर बात करें तो कैसे? हाँ, मेरी क्लासेस सिंगिंग की चल रही हैं. बिरजू महाराज जी से आपने सीखा, किससे सीखा? दीपक दीपक जी महाराज जी. किस घराने से आते हैं? घराने घराने से. जी जी बताएं जी, दीपक जी के बारे में बताएं, कैसा कैसे आपको सिखाया, क्या सिखाते हैं, क्या उनका बेस क्या है? अच्छी बातें, मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना है और बहुत कुछ सीखना है मुझे. चलते चलते आखिरी सवाल, एंजल मोदी जी पे कोई गाना बनाना चाहेंगे? जरूर, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जरूर. आपको मुखड़ा भी मिल गया, मैं भी चौकीदार. क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहूँ मैं?